स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है क्रोम प्राइम। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, 7 days का हेड शेव एक्सपीरियंस चल रहा है हमारा, और ये है हमारा 7वां दिन यानी कि वेडनेसडे, और आज हमारा लास्ट डे है। तो आज से दोस्तों ठीक एक हफ्ते पहले वेडनेसडे को मैंने अपना हेड शेव किया था और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था उस दिन। बट दोस्तों मैं अभी भी इस बात से परेशान हूँ कि मुझे अपना हेड शेव करते हुए आपको दिखा देना चाहिए था, पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो ट्रिमर था फ्लिप्स वाला वो ख़राब हो रखा था। ऐसे मैंने अपना पुराने वाला जो ट्रिमर था, पुराना कहीं से मिल गया मुझे, उससे अपना हेड शेव करा। तो उसमें दोस्तों मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग गया था सिर्फ हेड शेव करने में। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको दिखाता भी क्या। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ वो कॉमन रीज़न जिसकी वजह से आपके हेयर लॉस होते हैं और क्या उन्हें रोका जा सकता है, अगर रोका जा सकता है तो कैसे, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो दोस्तों हेयर फॉल होने की कई सारी वजह हो सकती है और उनमें से मैं आपको कुछ ऐसे वजहें बताऊंगा जिनकी वजह से आपके हेयर फॉल अक्सर होते हैं। तो उनमें से दोस्तों सबसे पहला रीजन जो कि सबसे बड़ा रीजन है, जो कि है दोस्तों आपका DNA, और इसकी वजह से दोस्तों आपके हेयर फॉल भी हो सकते हैं। अगर आपके माता पिता में से कोई किसी के हेयर लॉस होते हैं, कोई बेल्ट है, मतलब आपके फादर ही बेल्ट होते हैं उनके जाता है, तो अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम है, बेल्टनेस की प्रॉब्लम है, तो ऑफकोर्स दोस्तों आपको भी हो सकती है। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके बाल जरूर झड़ेंगे। क्या पता आपकी मम्मी की तरफ से किसी के बाल नहीं झड़ते होंगे, तो शायद आपके बाल ना झड़े। लेकिन दोस्तों अगर आपके हेयर फॉल होते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका DNA भी हो सकता है। दूसरी वजह है दोस्तों हमारा अनहेल्दी खाना। तो अगर दोस्तों आप रेगुलर बेस पर बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जैसे कि मोमोज, चाउमीन, छोले भटूरे और दही बल्ले और भी कौन से बल्ले बल्ले, तो ये अगर आप बाहर की चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो इसमें आपके हेयर फॉल होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि बाहर के खानों में उस तरह के न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पाते जो आप घर पर पकाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपके हेयर फॉल होने के पीछे की वजह एक अनहेल्दी फूड हैबिट भी हो सकती है। तो तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों हमारी है डेंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन। तो इसकी वजह से भी दोस्तों कई लोगों के हेयर फॉल होते हैं, अगर उसको सही समय पर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो हेयर फॉल आपका बढ़ भी जाता है। दोस्तों डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन को किस तरह से हटाया जाता है इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो देखनी हो तो ऊपर कार्ड शो हो रहा होगा उस पर क्लिक करिए, आप डायरेक्ट उस वीडियो में पहुंचेंगे। बात करते हैं अब अपने चौथी रीजन की। चौथा रीजन दोस्तों हमारा है DHT, जो कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आपका होता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपका DHT लेवल हाई होता है तो आपके हेयर फॉल होते हैं, और अगर ज्यादा लो हो तो भी आपके हेयर फॉल होंगे। तो मतलब आपको DHT लेवल को मेंटेन करना होगा, और किस तरह से आप DHT लेवल को मेंटेन कर सकते हैं ये आपको आपको डॉक्टर अच्छी तरह से बता देगा। आप एक बार डॉक्टर से पूछ सकते हैं अगर आपके DHT लेवल की प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपना 5वां रीज़न जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल अक्सर होते हैं या ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो ये कारण दोस्तों आपका जिम से जुड़ा हुआ है। तो अगर दोस्तों आप स्टीरॉयड का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा करते हैं तो आपके हेयर फॉल होने के चांस भी बढ़ सकते हैं, कि स्टीरॉयड जो होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी जो है बल्क में आती है। तो अगर आप किसी भी तरह का स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं तो ऑफकोर्स आपके हेयर लॉस होने के कारण एक आपका स्टीरॉयड भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर गंजे ही होते हैं, बैल्ड होते हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि दोस्तों वो ज़्यादा मात्रा में स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से दोस्तों उनके हेयर लॉस हो जाते हैं तो और उनका जो सर होता है वो एकदम चमकदार बन जाता है। ये था दोस्तों हमारा 5वां रीज़न। आते हैं अपने 6th रीज़न की तरफ। तो ये भी दोस्तों जिम से ही रिलेटेड है, और वो है दोस्तों आपका क्रिएटिन। आपके दिमाग में कहीं केराटिन ना आ जाए इसलिए मैं आपको पहले बता दूं, केराटिन और क्रिएटिन अलग अलग चीज़ है। केराटिन जो होता है उससे आपके हेयर बनते हैं, आपके हेयर क्लिप बेनिफिट देता है, और जो क्रिएटिन होता है वो आपके जिम में स्ट्रेंथ बढ़ाने के काम आता है। मतलब जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो उनको अपना रैप बढ़ाना होता है तो वो क्रिएटिन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रिएटिन का भी दोस्तों ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल से आपके जो हेयर है वो जा सकते हैं, हेयर लॉस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो अगर आप दोस्तों जिम जाते हैं और आप क्रिएटिन का इस्तेमाल करते हैं तो क्रिएटिन को रेगुलर बेस पे इस्तेमाल ना करें। 3 महीने इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद 1-2 महीने आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपके शरीर में थोड़ा क्रिएटिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको फ्लश आउट भी करना होता है, तो आप क्रिएटिन का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। अब आते हैं दोस्तों अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है 7वां पॉइंट। अब दोस्तों जो ये 7वां रीज़न है ये दिखने में बहुत ही आम और साधारण लगता है, लेकिन दोस्तों ये काम बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त तौर पे कर देता है, और ये दोस्तों आपका है एलोपेसिया।
आपने नाम सुना ही होगा एलोपेशिया का। तो दोस्तों एलोपेशिया जब किसी बंदे को होता है तो उसका स्कैल्प जो होता है वो एकदम क्लीन हो जाता है, चमकदार हो जाता है। तो आपको दोस्तों एलोपेशिया की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। दोस्तों एलोपेशिया होने के पीछे कुछ रीजन इस तरह से है। तो आप किसी के कंघी यानी कि कॉम, दूसरा टॉवल, तीसरा कैप, हैट, हेलमेट या किसी भी तरह की चीज, इनमें से दोस्तों आप दूसरों की कोई भी चीज यूज ना करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो दोस्ती यारी में बंदा, पहला बंदा अपने हेयर सेट करता है, फिर दूसरा उससे उसकी कॉम छीन लेता है, फिर दूसरा सेट करता है, तीसरा उससे छीन लेता है, तीसरा भी सेट करता है। तो इस वजह से दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर पहले बंदे को एलोपेशिया की प्रॉब्लम हुई तो बाकी दो तीन जो है जिन्होंने यूज करा उनको भी एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है। मोस्टली देखा गया कि जो होटल में जो लोग जाते हैं तो होटल वाले उन्हें अलग से अपना टॉवल प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सकें, और अगर होटल वालों ने टॉवल को ठीक से वॉश नहीं किया, ठीक से धोया नहीं, और इससे पहले उस टॉवल को किसी एलोपेशिया वाले बंदे ने यूज़ करा और फिर आपने यूज़ कर लिया, तो आपको भी हेयर फॉल हो सकता है, एलोपेशिया हो सकता है। और मोस्टली दोस्तों होता भी ऐसा, ज़्यादातर ऐसा देखा भी गया है जो लोग होटल जाते हैं उसके बाद उनके हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं। तो उसके पीछे का कारण दोस्तों ये साधारण सी चीज़ है। तीसरा दोस्तों वही है कि आप किसी दूसरे का कैप, हैट या हेलमेट ना पहने, अपना एक पर्सनल रखें। अगर आपको अपना हैट पहनना है तो अपनी हैट रखें, अपना कैप पहना अपना अलग से रखें, दूसरों का बिल्कुल मत पहनिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी वजह है जो दिखने में बहुत ही साधारण सी लगती है, लेकिन दोस्तों जब ये अपना काम दिखाती है, अपना असर दिखाती है, तो सारे बालों को लेकर चले जाती है और आपको टकला बना देती है, पूरी तरह से चमकदार वो भी। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो इसके लिए दोस्तों आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये 7 डेज के जो एक्सपीरियंस चल रहा था उसकी वीडियो कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए क्रोम प्राइम के साथ। जय हिंद।